हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हम कालेश्वरम में जहाँ पर पानी नहाते हैं, जो पानी नहा कर दर्शन करते हैं, दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, वहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए गंगा जल, गंगा वाटर्स लेने के लिए, जो कि प्लास्टिक डब्बा पूरा बेच रहे हैं, और नारियल और आपका फूल और आपका अगरबत्ती धूप, जो कि ये गंगा में दान करने के लिए दोस्तों बेच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ से मंदिर से और जो पानी नहाने का स्थान जो कि जगह तकरीबन 1 किलोमीटर है। और धीरे धीरे हम जहाँ पर पानी नहा रहा है वहाँ पर जा रहे हैं देखिए। और यहाँ पर गर्मा गर्म भुट्टा बेच रहे हैं कोयले में जला के। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही जो कि 3 नदियाँ मिलती है, गोदावरी, पेनगंगा, प्रणहिता, यहाँ पर दोस्तों 3 नदियाँ मिलती हैं। और देखिए पूरा आदमी यहाँ पर नहाने के लिए पूरा आए हैं। और यहाँ से नहाकर फिर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम भी यहाँ पर उतर चुके हैं। देखिए हम एक डब्बा ले लिया था जो कि गंगा वाटर लेने के लिए। और कोई के आदमी यहाँ पर जो कि पूजा भी कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पर जो गोदावरी में पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने चप्पल को उतारते हुए जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से जो कि हम गंगा जल लेना है हमको गंगा। देखिए यहाँ पर पानी उतना साफ नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो पानी थोड़ा साफ नहीं है। और यहाँ पर जो कि हम थोड़ा पानी हम थोड़ा शुद्धिकरण कर लिए हैं। शुद्धिकरण करने के बाद जो कि हम प्लास्टिक का डब्बा में गंगा जल लेके आएंगे। और हिंदू संप्रदाय में गंगा जल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इस जल में सब कुछ मिलते हैं। और यहाँ पर हम पानी लेते हुए, और ठंडी बहुत है क्योंकि यहाँ पर जो कि बरसात हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर फुल बरसात जब हम गए थे तो यहाँ पर फुल बरसात हो रहा था। और देखिए पानी यहाँ पर नहा रहे हैं। और कुछ आदमी यहाँ पर जो कि भगवान के छोटे छोटे बच्चे लोग भी यहाँ पर पानी नहा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे लोग भी यहाँ पर जो कि पानी नहाने का इंजन ले रहा है दोस्तों। और देखिए हम डब्बे में भरकर गंगा जल को लेते हुए ऊपर आ रहे हैं। और अच्छा से कैप लगाकर कहीं गिर ना जाए। और यहाँ पर दोस्तों जो कोई भी आदमी आते हैं तो भागो यहाँ से गंगा वाटर जरूर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ मिलते हैं। और गंगा जल को अपने घर में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। और यहाँ पर जो कि लास्ट टाइम में बारिश बहुत हुआ था, जो सीढ़ियाँ है पूरा डूब चुका था दोस्तों, बहुत बारिश हुआ था। और यहाँ पर गर्मा गर्म जो कि कांकी, एक कांकी का 20 रुपये है, और हमने परचेस किया है और गर्मा गर्म था। एक भुट्टा का 20 रुपये है दोस्तों, अच्छा है। और बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कालेश्वरम